स्टार्ट। जय मसीह की दोस्तों, आज की स्वर्ग मन्ना का भाग हमने लिया है दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसका 9वां वचन। मैं वचन आपके लिए पढ़ता हूं। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है क्योंकि मेरा सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होता है। अतः मैं सहर्ष अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा जिससे कि मसीह का सामर्थ मुझ में निवास करे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने हमें मंदिर बनाया ताकि तेरी आत्मा मुझ में निवास करे। परमेश्वर तो अद्भुत है, तेरी योजनाएं अद्भुत है। दोस्तों, ये वचन हमें क्या बताता है? ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर चाहता है कि हर पल वो हम में रहे। वो चाहता है कि अगर तेरा शोक है तो शोक अपना दे, मैं तुझे अपना आनंद दूंगा। परमेश्वर कहता है कि अपना बोझ दे, मैं अपना विश्राम तुझे दूंगा। वो कहता है अपनी निराशा दे, मैं तुझे अपनी आशा दूंगा। तू मुझे अशांति दे, मैं तुझे अपनी शांति दूंगा, क्योंकि तू शांति का राजकुमार है। परमेश्वर, तू निर्बलता में सिद्ध होता है। तू बताता है कि निर्बलता ही तेरे लिए जरूरी है। हालेलुया, तुझे किसी की जरूरत नहीं है, तुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। तू खुद सहारा है, तू खुद बाढ़ है, तू खुद शक्ति है, तू खुद चट्टान है परमेश्वर। और तू हमें उस चट्टान की तरह मजबूत करना चाहता है, इसलिए तू हमें बताता है कि दुखों से मत डरो, मुसीबतों से मत डरो, परिस्थितियों से मत डरो, परिस्थितियों के सामने घुटने मत टेको, क्योंकि तुम्हारी निर्बलता में मेरा सामर्थ्य सिद्ध होगा। पौलुस ने हमें यही बताया, पौलुस ने हमें यही बताया कि उसकी निर्बलता में परमेश्वर का सामर्थ्य सिद्ध होता है। अगर हम देखें पुराने नियम में, तो दूसरा राजा 4:1-7 के बीच में वो नबी की औरत, वो नबी की बीवी जिसका पति मर चुका था, उसका देहांत हो गया था, उसके पास कुछ नहीं था, उसके पास कुछ नहीं था। वो एलिया के पास आई और उसने एलिशा से कहा, कि एलिशा मेरे पास कुछ नहीं है, कर्जदार मेरे पीछे पड़े हुए हैं। एलिशा ने कहा, तेरे पास क्या है, मैं तेरे लिए क्या करूं कि तेरे पास क्या है। हालेलुया, अगर हम वचन पढ़े तो देखिए, उसने कहा, एलिशा ने उससे कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता तेरे पास, तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक पात्र में तेल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। हालेलुया, सुना दोस्तों, उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ तेल है। हालेलुया, और बाइबल हमें बताती है, वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का सामर्थ उस तेल में आया, परमेश्वर का सामर्थ उसके कुछ नहीं में आया, और उसने हजारों बर्तन तेल से भर दिए और परमेश्वर का आशीष पाया, सुख पाया। उस समाज में, उस दुनिया में, उस संसार के सामने वह ऊंची उठाई गई क्योंकि वो नीची हुई। हालेलुया, इसलिए वो कहता है कि अपना घमंड मुझे दे ताकि मैं तुझे अपनी दीनता दूंगा, मैं तुझे अपनी नम्रता दूंगा। तो अपना स्वार्थ मुझे दे ताकि मैं तेरे दिल में क्षमा भर दूंगा। परमेश्वर का नियम अद्भुत है, परमेश्वर का सामर्थ अद्भुत है, परमेश्वर की शक्ति अद्भुत है, परमेश्वर का प्यार अद्भुत है। वो चाहता है कि हम उसकी निर्बलता में घमंड करें, हम अपनी निर्बलता में घमंड करें, हम घमंड करें कि हम कुछ नहीं है, तब वो हमें कुछ बनाएगा, तब वो हमें कुछ बनाएगा। याद करिए सारपत की वो विधवा, परमेश्वर ने एलिया से कहा था, जा इस अकाल के दिनों में, इन अकाल के दिनों में सारपत की विधवा तुझे खाना देगी। लेकिन दोस्तों, आप तो जानते हैं ना कि उस विधवा के पास कोई खाना नहीं था, उस विधवा के पास कोई रोटी नहीं थी, कोई तेल नहीं था। क्यों कहा परमेश्वर ने? क्योंकि परमेश्वर उस निर्बलता को, क्योंकि परमेश्वर उस विधवा की निर्बलता को सामर्थ्य में बदलना चाहता था। इसलिए एलिया उसके पास गया और एलिया ने कहा, विधवा तू अपने इस आटे को, इस तेल में बचे हुए तेल को लेकर आ, मेरे लिए रोटी लेकर आ, जब तक मैं नहीं बरसेगा तब तक तेरे घर में आटा और तेल कभी खत्म नहीं होगा। दोस्तों, हमारे जीवन में परमेश्वर का सामर्थ बहना चाहता है। वो चाहता है कि वो सामर्थ जो परमेश्वर का है वो आपके जीवन में बहे। बस आप ये बोलिए कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं निर्बल हूं, मुझे तेरी जरूरत है परमेश्वर, मुझे तेरी जरूरत है, मैं तुझे खोजना चाहता हूं, मैं तुझे मिलना चाहता हूं, मैं तुझ में ही जीना चाहता हूं, मैं तुझ में पूर्ण होना चाहता हूं, मैं अपने रिक्त स्थान को भरना चाहता हूं तुझ में, क्योंकि तू ही सामर्थी है, तू ही पिता है, तू ही सर्वशक्तिमान है, तू ही रचयिता है, और तू ही है जिससे मैं पूर्ण होता हूं, तू ही है जिसने दुनिया बनाई, तू ही है जो हमसे प्यार करता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। 5,000 पुरुष, 5,000 स्त्रियां और 2,000 बच्चे, तकरीबन 12,000 लोग यीशु मसीह के सामने खड़े हुए थे, भूखे खड़े हुए थे, और यीशु मसीह के सामने एक प्रश्न था कि मैं इनको रोटी दूं। वो बच्चा आया, उसके पास क्या था? 5 रोटियां और 2 मछलियां।
यीशु ने मुझसे पूछा तेरे पास क्या है, उससे कहा मेरे पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। वो बच्चा भी जानता था, अनिद्रियास भी जानता था कि इन 5 रोटी और 2 मछलियों से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि लोग तो 12,000 थे। लेकिन यीशु मसीह ने उसकी निर्बलता को सिद्ध किया, उसकी निर्बलता में सामर्थ्य भर दिया और उस समय 12,000 लोगों ने रोटियां खाई। वो बच्चा देखता रहा कि मेरी रोटियां जो 5 थी, मेरे मछलियां जो 2 थी, वो कैसे सामर्थ्य हो गई, वो कैसे 12,000 लोगों को रोटी खिलाई, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होता है मेरे भाई। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप दुखी हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप परेशान हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आपको डरने की नहीं है, क्योंकि मेरे पिता का, मेरे यीशु का सामर्थ हमारी निर्बलता में सिद्ध होता है और इसको हम कभी ना भूलें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हम अपने सामर्थ पर, हम अपने निर्बलता पर घमंड करें, हम अपने दुख पर घमंड करें, क्योंकि मेरा यीशु मुझसे इतना प्यार करता है कि उसने अपना बलिदान दिया मेरे लिए, तो मेरे दुखों को, मेरे निराशाओं को, मेरे अकेलेपन को दूर करेगा। आमीन। यीशु मसीह के नाम से हर सुनने वाले, हर देखने वाले भाई बहन के लिए आशीष, सुख और चंगाई मांगता हूँ। प्रार्थना अपने समय कबूल की। आमीन।